है आज का फंडा हमारे पास वाटर इमेज। जब वाटर इमेज के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि इसका यूज देखिए कई सारे टॉपिक्स में आपको मिलेगा, आपको पता नहीं चल पाता। फिगर कंप्लीशन में आपको यूज मिलेगा, एम्बेडेड फिगर्स में आपको यूज मिलेगा, सीरीज में आपको यूज मिलेगा, एनालॉगी में मिलेगा, क्लासिफिकेशन मिलेगा और भी कई टॉपिक्स में। ठीक है, तो आइए जा समझते हैं वाटर इमेज का फंडा क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पर आपके सामने कोई आर्टिकल है और उसके सामने वाटर को जब शो करना होगा, तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि वाटर इमेज आपसे बोल दे, या कई बार क्वेश्चन में ये वर्ड यूज करता है कि मिरर को रखा गया है इस ऑर्डर में। तो वाटर इमेज को मिरर इमेज की तरह से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन मिरर इमेज में आप मिरर को यहां शो करते हैं और वाटर इमेज में आप मिरर को यहां पे शो करते हैं, क्योंकि पानी लेके तो वहां पे जा नहीं सकते हम, है ना। तो इसका मतलब अपने को क्या करना है, कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट कहता है इसमें जो चीज ऊपर होगी वो इसमें कहां चली जाएगी, नीचे चली जाएगी, और जो चीज आपकी इसमें नीचे होगी वो कहां चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। ठीक है, अब जरा समझिएगा इसमें एक चीज आपके लिए क्या काम आ गई, एक चीज में आपके लिए ये काम आ गई कि जो चीज राइट में है वो राइट में ही रह गया। एरो देखिए राइट के पार्ट में था तो राइट में ही है, सर्किल लेफ्ट के पार्ट में है तो लेफ्ट में ही है। तो कंसेप्ट ने क्या कहा, कंसेप्ट ने कहा कि सर टॉप और बॉटम को आप कर दीजिए इंटरचेंज, टॉप वाला बॉटम पे, बॉटम वाला कहां चला गया, टॉप पे, और उसके साथ साथ आपने क्या देखा, क्या फिक्स रहेगा, जो लेफ्ट पे रहेगा वो लेफ्ट पे ही शो कर जाएगा और जो राइट में रहेगा वो राइट पे ही शो कर जाएगा। ठीक है, तो वाटर इमेज के कंसेप्ट के लिए एक चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है, जो ऊपर होगा वो ऊपर शो करेगा, जो ऊपर वाला होगा वो नीचे शो करेगा, नीचे वाला ऊपर शो करेगा, लेकिन जो ऊपर वाला जो बाई ओर है वो बाई ओर शो करेगा, जो दाई ओर है दाई ओर, क्या कहेंगे, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, बाई ओर वाला बाएं साइड, दाई ओर वाला दाएं साइड। तो ये है इसका कंसेप्ट जिसको हम कहते हैं वाटर इमेज। लेट्स हैव अ लुक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल जरा देखते हैं, उससे कहानी को करते हैं क्लियर और फंडा पूरी तरह से हो जाएगा आपका क्लियर। आइए जा देखें फटाफट, देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने क्या रहा है। क्वेश्चन है आपके सामने कुछ ये रहा, आपके पास ये बन गई एक डिजाइन, ठीक है, और उसके सामने हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे शो कर दिया ये वाला पार्ट। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे हम थोड़े से कलर को फिल करेंगे, हमने क्या किया यहाँ पे हमने शो कर दिया इस तरह का एक आर्टिकल, जरा देखते चलिएगा, और उसके साथ साथ हमने यहाँ पे क्या किया, एक पार्ट आपका ये शो कर दिया कि यहाँ पे हमने ग्रीन कलर से यहाँ पे शेडेड पार्ट करें। वाह वाह क्या बात है, इसे हम कहते हैं तिरंगा, है ना। तो अब आपसे क्या बोला गया है, आपसे ये बोला गया है अगर आप इसको वाटर में देखें, मतलब कि जब मिरर आपका यहाँ पे रखा होगा तो उस कंडीशन में क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा। तो चलिए जल्दी से इसको ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि इसका रिफ्लेक्शन कैसे आएगा। सर ट्राइंगल को जब हम उल्टा देखेंगे वाटर में तो ट्राइंगल आपका कुछ ऐसा बन जाता है, सही है। अच्छा अब जरा देखिए, सभी लोग यहां पे लाइन बन गई, अब इसका देखिए ये वाली लाइन आपकी इधर से ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहां से ही शुरू करेंगे, ये लाइन आपकी नीचे की तरफ जाएगी, बोलिए इज इट क्लियर। अब उसके साथ ये देखिए जो ग्रीन वाला आपका फंडा था, ग्रीन वाला फंडा देखिए नीचे था तो कहां शो करेगा, बोलिए आपका ऊपर की साइड में शो करेगा, और उसके साथ साथ जो पर्टिकुलर आपकी लाइंस वाला सेगमेंट था जो हमने ऑरेंज कलर से पेंट किया था, उस ऑरेंज वाले पार्ट को अगर आप देखेंगे तो ये आपका देखिए यहां शो कर रहा था, तो ये हिस्सा आपका यहां पे शो करेगा। ठीक है, तो देखिए राइट वाला पार्ट राइट में ही है, लेफ्ट वाला पार्ट लेफ्ट पे ही है, लेकिन ऊपर वाला नीचे है और नीचे वाला ऊपर। तो ये है आपका वाटर इमेज का कंसेप्ट। आई विश कि आपको इसका फंडा पूरी तरह से हो चुका होगा क्लियर। तो खेलते रहिए वाटर इमेज के साथ, बने रहिए।